दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे बिना बैंक गए अपना मोबाइल नंबर SBI के साथ कैसे रजिस्टर करें। दोस्तों, यदि आप अपना मोबाइल नंबर बैंक के साथ लिंक कर देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिंक कर देते हैं, तो आप घर बैठे अपना बैलेंस यानी सारा काम घर बैठे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए, जैसे मेरा बैंक जो है कि SBI में मैंने अपना रजिस्टर किया है, तो देखिए मैं आपको बेनिफिट दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने रजिस्टर कर लिया अपना मोबाइल नंबर, तो यहाँ देखिए स्टेट बैंक नंबर एक है, बैंक बैलेंस वाला। मैं आपको बताऊंगा कैसे बैलेंस चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं कॉल लगा दिया। अब देखिए कॉल ही कट जाएगा। कॉल कटने के कुछ ही सेकंड बाद यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया, यानी कि कुछ ही 2 सेकंड के अंदर यहाँ पर मैसेज आ गया कि हमारे खाते में इतने बैलेंस है। तो रजिस्टर करने का देखिए ये फायदा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको रजिस्टर कैसे करना है अपने मोबाइल को घर बैठे स्टेट बैंक के साथ, और आपको किसी भी बैंक का बैलेंस कैसे चेक करना है घर बैठे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कोरोना के बढ़ते कारण, जो कि कोई भी बैंक नहीं जाना चाहता, बैंक जाना भी नहीं चाहिए इस समय। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को दबा के यहाँ पे ऑल जरूर प्रेस करें दोस्तों, और यहाँ से वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग अपना बैलेंस चेक कर पाएँ और अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर पाए, ठीक है। और यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि आपका किस बैंक में खाता है। जैसे मेरा SBI है, तो मैंने यहाँ पे SBI लिखकर सेंड कर दूंगा। अगर आपको किसी और बैंक में अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना सारा काम करने के बाद दोस्तों, अब आपको करना क्या होगा, आपको मोबाइल जो कि मैसेज ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से एक नंबर नोट करिएगा। यहाँ पर 7208933181848, इस पर आपको SMS करना है। SMS में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए REG स्पेस और आपको अकाउंट नंबर लिखना है अपना, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको इस नंबर पे 7208933414 आपको ये SMS लिखकर सेंड करना है। जैसे ही आप SMS लिखकर सेंड करेंगे, तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, तो अभी आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा SMS सेंड करने के बाद। देखिए यहाँ पर मैसेज आ चुका है, तो यहाँ पर लिख रहा है कि डियर कस्टमर, योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस सर्विस फॉर अकाउंट नंबर इतना, यानी कि ये बोल रहा है कि आपका मोबाइल नंबर पहले से ही रजिस्टर्ड, जैसा कि मैंने अभी दोस्तों आप लोगों को दिखाया है बैलेंस चेक करके, यानी कि मेरा मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है। अगर आपका नहीं है, तो इस तरीके से आप रजिस्टर कर लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही खबर। अब रही बात दोस्तों, किसी भी बैंक का बैलेंस अगर आप चेक करना चाहते हैं घर बैठे, तो आपको करना क्या है, आपको गूगल ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्च करना एक वेबसाइट का नाम। वेबसाइट का नाम जो लिखना है टेक्नो राशि बैंक। जैसे ही आप गूगल में लिखेंगे टेक्नो राशि बैंक, तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, ऑल बैंक बैलेंस चेक ऑनलाइन, सभी बैंकों का बैलेंस घर बैठे कैसे चेक करें। इस लिंक के अंदर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, तरीका पूरा मिल जाएगा, रजिस्टर करने का मिल जाएगा, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।